अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया 32वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। टीकमगढ़ में सोमवार को पुलिस लाइन से बाइक रैली के द्वारा सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएल चौरसिया ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह सुरक्षा माह आज 18 जनवरी से प्रारंभ होकर अगले माह 17 फरवरी तक संपूर्ण जिले में चलाया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएल चौरसिया ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुरक्षा माह बाइक रैली में बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि सड़क आवागमन के दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली में यातायात एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं पुलिस जवान शामिल रहे। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए रैली शहर के मुख्य मार्गों एवं मुख्य चौराहों से निकाली गई। आज आपने रैली को हरी झंडी दिखाई है, किस तरह से नियमों का पालन किया जाएगा जब सप्ताह चलेगा? ये प्रतिवर्ष की बात ही, इस साल भी हमारा ट्रैफिक के जो सुधार सप्ताह चलता है, इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, हेलमेट लगाएं, नियमों का पालन करें, रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनका पालन करें और गलत तरीके से ओवरटेक मत करें, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना फिटनेस के कोई गाड़ी मत चलाएं, बिना कागजों के, बिना ही मेंटेनेंस की कोई गाड़ी मत चलाएं और पूरा हम बैनर पोस्टर के माध्यम से, रैली के माध्यम से और प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोगों में ट्रैफिक सेंस और ज़्यादा आए। अभी जो बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे जो ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको फॉलो ना करने से हो जाती हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो लोग हम जागरूक करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें सही करें। सर, सप्ताह कब तक चलेगा ये? अभी एक सप्ताह का है पूरा चलेगा और हम पूरे ज़िले में इसको, हर बड़े कस्बे में इसको फॉलो कर रहे हैं। पीछे चल रहा है, पीछे पीछे।